बिल आया 30,000 का पहला, फिर अच्छा दूसरा बिल आया 26,500 का, अच्छा अब का 6,000 का है जब से सोलर लगी हुई है। अच्छा आपके तेल का ऊपर ही लगा दोगे आपकी ये। दोस्तों आप सभी ने आटा चक्कियों पर सोलर सिस्टम लगा हुआ बहुत सारा देखा होगा, बट आप लोगों का अक्सर लोगों का बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि भैया क्या पल्वराइजर आटा चक्की डायरेक्ट सोलर पैनल चल पाएगी, कोल्ड प्रेस कोलू का डायरेक्ट सोलर पैनल चल पाएगा? तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए और दिखाने के लिए दोस्तों प्रयाग सोलर पावर से मैं विनय साहू अभी आ चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में। दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर यूपी का लास्ट वो छोर है, इसके बाद आ जाता है यहाँ से अगर 30 किलोमीटर करीब हम जाएंगे तो आ जाएगा देहरादून, मतलब ये यूपी उत्तराखंड का ये बॉर्डर आप मान सकते हैं। तो आज हम आपको यहाँ पर लाइव दिखाने वाले हैं कि सोलर से डायरेक्ट यहाँ पर पल्वराइजर आटा चक्की और कोल्ड प्रेस कोल्हू कैसे चलाया जाता है, उसका मैं लाइव प्रूफ और यहाँ के जो ओनर हैं जिनके हमने करीब महीने पहले सिस्टम लगाया था उनसे भी रिव्यू लेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा और कैसा वो सोलर से काम कर पा रहे हैं, पर डे पर मंथ क्या इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। पहले हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर कितने पैनल्स लगे हैं और कौन से पैनल लगे हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं इनका छत है जिस पर हमने इंस्टॉलेशन किया था करीब एक महीना पहले, 550 वाट की 32 प्लेट यहाँ पर लगी है, मतलब 17.5 किलोवाट का ये सोलर सिस्टम है और इसको लगाने में करीब 800 स्क्वायर फीट इनका छत जो है वो कवर हुआ है 17.5 किलोवाट के सेटअप पर। बात करें इसके इंस्टॉलेशन बैक साइड की तो यहाँ पर देखते हैं पूरा GI स्ट्रक्चर पर इंस्टॉलेशन है और 2.2 हार्डी GI स्ट्रक्चर यहाँ पर लगाया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो सेटअप है 17.5 किलोवाट का है, बट इनके पास जो लोड है मतलब एक 15 HP का और 10 HP का, क्योंकि पल्वराइजर आटा चक्की और कोल्ड प्रेस कोलू पे अलग अलग मोटर लगती है, तो ये एक एक करके यहाँ पर लोड चलाते हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए स्टेशन की बात करें तो हार्डी GI स्ट्रक्चर है, 2.2 हार्डी स्ट्रक्चर जो होता है उस पर यहाँ पर बेहतर मजबूत सिस्टम के लिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन किया गया था। और यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा 2-in-1 का DC/DC बॉक्स प्लस एक अर्थिंग और 3 अर्थिंग और एक लाइटिंग रजिस्टर, मतलब सारे जो सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं वो भी यहाँ पर सेफ्टी को रखते हुए पूरा इंस्टॉलेशन यहाँ पर किया गया है, बेहतर ढंग का इंस्टॉलेशन है। अब आपको हम दिखाते हैं कि इनका पल्वराइजर आटा चक्की और कोल्हू कैसे चल रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे ये कोल्ड प्रेस कोल्हू है 15 HP का जो अभी बंद है फिलहाल के लिए, और यहाँ पर अभी एक एक लोड करके चलाएंगे क्योंकि यहाँ पर उतने पैनल लगे हैं कि एक टाइम पे एक चल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 10 HP मोटर के साथ में ये पल्वराइजर है हमारा, चक्की पल्वराइजर चक्की है। एक बार बात किया जाए इस चक्की के बारे में तो यहाँ पर देखेंगे ये होती है 10 HP की मोटर लेकर 16 इंच चक्की है पल्वराइजर की, जो करीब घंटे में 1 क्विंटल तक का माल खींचती है। यहाँ पर आ जाइए, दिखा दीजिए क्या चल रहा है, आप इसमें दिखा दीजिए अंदर से, देख सकते हैं गेहूं जो है पिसाई प्रॉपर फुल लोड लेके चल पा रहा है, इस वाले भाग को देख सकते हैं आप। और यहां पर बात की जाए मोटर की, देख सकते हैं ये मोटर लगा हुआ है अपनी 10 HP की मोटर है जो प्रेजेंट टाइम में यहां पर लगी है, 960 RPM की 10 HP की मोटर है। और बात करें यहां पर एम्पियर क्या लोड लेके चल रहा है, उससे पहले मैं आपको यहां पर जो भैया हैं जिनके हमने सिस्टम लगाया था उनसे थोड़ा बहुत जानते हैं। तो अभी ये कैसे चल रहा है जी? कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। सोलर चल रहा है? 8 बजे से चालू हो जा शाम को 5:30 बजे तक। पर घंटे कितना एवरेज है इसका? ये लगभग 1 क्विंटल के करीबन पल्वराइजर में लगभग 1 क्विंटल निकाल देता है। एक बार क्वालिटी दिखाएंगे इसकी, क्वालिटी दिखाएंगे एक बार, क्वालिटी दिखाएंगे इसकी आप। यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्वालिटी प्रेजेंट टाइम में इसकी जो है अभी चल पा रही है डायरेक्ट सोलर से क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं। देख सकते हैं बेहतर ढंग की क्वालिटी, बेहतर ढंग की क्वालिटी, क्वालिटी सही है, बढ़िया बारीक है ये, पेशन की तरह है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं ये डायरेक्ट ढंग का सोलर से प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। आप इधर अगर आएंगे थोड़ा इधर तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, यहाँ पर देखेंगे ये प्रयाग सोलर पावर का इंस्टॉलेशन है और BFD ड्राइव है जिससे पूरा सिस्टम कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पर मैं दिखा दूँ कितना एम्पियर लोड लेकर रहा है, 10 एम्पियर तक लगभग लोड लेकर प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। ये 25 HP की सोलर AC ड्राइव है जो यहाँ पर लगाई गई है। तो दोस्तों अभी हम आपको यहाँ पर ये जो कोल्ड प्रेस है इसको भी चलाकर दिखाते हैं कि कोल्ड प्रेस क्या वास्तव में सोलर से चल जाएगा, कोल्हू जो है वो सोलर चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। आप लोगों ने पल्वराइजर देख लिया है, अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर हमने दिखाया जो पल्वराइजर चक्की थी डायरेक्ट आटा चक्की सोलर से कैसे काम कर रही है। आप लोग बहुत सारे लोग का कमेंट आता रहता है या फिर फोन कॉल से भी आता रहता है भैया पल्वराइजर चल जाएगी नहीं चल जाएगी, कहाँ लगा है बताइए, हमको कुछ देखना है। तो आज हम आपको वही दिखा रहे हैं, पल्वराइजर आपने देख लिया है, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कोल्ड प्रेस कोल्हू जो है वो डायरेक्ट सोलर पैनल से कैसे वर्क कर रहा है। तो ये जो हमारा साइट है ये सहारनपुर का है, यहाँ से आगे जाएंगे देहरादून आ जाएंगे, मैंने आपको बताया जैसे
तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो यहाँ पर 15 HP का कोल्ड प्रेस कोलू है वो कैसे वर्क कर रहा है। देख रहे हैं ये प्रॉपर कोलू है, जो 15 HP का कोल्ड प्रेस कोलू जिसे बोलते हैं वो है। और यहाँ पर आप आयल जो है मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं, पास आ जाइए यहाँ पर दिखा दीजिए, देखते हैं बेहतर ढंग का जो आयल मैन्युफैक्चरिंग है वो बेहतर ढंग का हो पा रहा है। और इसकी खरी मैं एक बार दिखाना चाहूँगा जो प्रोड्यूस हो पा रही है, आप देख रहे हैं, देख सकते हैं आप बेहतर ढंग का जो एकदम पतली जैसे नॉर्मली होता है, जो थोड़ी सी मोटी होती है, देख रहे हैं आप जो हल्की से क्या होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, बट एक बार में ही इसका 80-90% ऑयल जो होता है वो उसका निकल जाता है। इसीलिए कोल्ड प्रेस कोलू जो होता है काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। फिलहाल के तौर पर कहा जाए तो बहुत कम जगहों पर ये कोल्ड प्रेस कोलू दिखता है जहाँ पर सोलर से डायरेक्ट चलता हुआ मिले। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कितनी पतली जो खरी होती है वो निकलती है। रीज़न यही है कि एक बार में ही 80-90% तक का ये जो ऑयल होता है सरसों का वो निकल जाता है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर मैं लोड की बात करूँ तो यहाँ पर इधर आ जाइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 15 HP की मोटर है, क्रॉम्पटन की ये मोटर है, CG पावर की 960 RPM, और प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं वर्क कर सकती है। मैंने आपको दिखाया दोनों चीज़ों को, अपना आप जब भी पल्वाइजर यूज़ करेंगे या फिर कोल्ड प्रेस कोलू यूज़ करेंगे, ये सारे बेल्ट पे होते हैं, यहाँ पर कहीं पट्टा नहीं लगा होता है, इसीलिए आप हर एक चीज़ों पर अलग अलग पर्टिकुलर मोटर लगानी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे इस पे जो है कोलू पे जो है यहाँ पर 15 HP की मोटर लगी है और पल्वाइजर पर 10 HP की मोटर लगी थी। और यहाँ पर हमारा जो ये था, इसमें मैंने आपको दिखाया था VFD ड्राइव जिसे कंट्रोल हो रहा है अभी ये पूरी मशीनरी, और यहाँ पर देखेंगे प्रयास सोलर पावर का VFD ड्राइव यहाँ पर इंस्टॉलेशन किया गया है। और मैं एम्पियर की बात करें, ज़्यादा नहीं, नॉर्मली 10 एम्पियर लोड लेके प्रेजेंट टाइम में कोलू चल रहा है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मान लीजिए आपका जो नॉर्मली सिस्टम चलता है वो देखेंगे तो आप जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये सूखी खरी, अब जैसे कितना ज़्यादा एकदम महीन से एकदम बारीक से लग रहा होगा आपको, जैसे नॉर्मली में होता है हमारे इधर जो UP में, खास करके जो पूर्वी UP है, पश्चिमी UP है, वहाँ पर आप देखेंगे तो बेहतर ढंग का जो है वैसे कोलू रहते हैं, 6 वोल्ट 9 वोल्ट ऐसे करके रहते हैं, बेहतर ढंग का अभी चल पा रहा है। यहाँ पर आप तेल भी देखेंगे तो वो भी बेहतर प्रोड्यूस जो है वो हो पा रहे हैं। तो भैया अभी ये सोलर चल रहा है? हाँ सोलर चल रहा है जी। सोलर चल रहा है, सोलर। कितने HP कोल्ड प्रेस कोलू है? ये है 15 HP। 15 HP का कोलू है आपका, पर घंटे क्या एवरेज है इसका? इसका लगभग 1 क्विंटल है फिलहाल तो, नया ही है ना अभी। अच्छा, एक और उसके बाद ये 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल पर पहुँच जाएगा। अच्छा, नया रहता है थोड़ा कम निकलता है, फिर पुराना होता जाए तो बढ़ता जाएगा। अच्छा अच्छा, सोलर से चल जा रहे हैं? सोलर पर चल रहा है। हाँ चल रहा के दोनों फिलहाल चल रहा है सोलर पे। फिलहाल चल रहा है सोलर पे, आप देख ही रहे हैं प्रॉपर। ये जो कारखाना है आप कह सकते हैं, आप घर बैठे आप जो बिजनेस करना चाहें इस तरीके का, बहुत सारे लोग चक्की और चलाते हैं, बहुत सारे लोग कारखाना चलाते हैं, आइसक्रीम फैक्ट्री हो गई, नॉर्मल सी कोई भी फैक्ट्री हो गई जिसमें लाइट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, उस पर आप सोलर लगाकर बेहतर उसका जो इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो जनरेट कर सकते हैं, और चलाना भी बेहतर इजी होता है। एक स्विच होती है, आप रोटेट करिए प्रॉपर, सुबह से आपका 9 बजे से मेनली 8, 8:30, 9 बजे तक सिस्टम हमारा जो है वो रन हो जाता है। तो चलिए आइए छत पर कस्टमर रिव्यू लेते हैं, और जो ओनर हैं यहाँ इस प्लांट के भैया हैं, इनसे भी थोड़ी बहुत और जानकारी लेते हैं, जिससे समझते हैं उनका क्या अनुभव रहा सोलर का, और उन्होंने सोलर क्यों लगवाया, कितना इनकम जनरेट हो पा रही, सारी चीज़ें आइए जानते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर हमने दिखाया, जो हमने कुर्डी खेड़ा गांव में सहारनपुर का एक गांव है, जहाँ पर हमने ये सिस्टम लगाया था करीब 1 महीना पहले, तो अभी के टाइम में इसका परफॉर्मेंस आपको हमने दिखाया। और अधिकतर कस्टमर के क्वेश्चंस रहते हैं भैया कि क्या पल्वाइजर चक्की चल जाएगी सोलर से, कोल्ड प्रेस कोलू चल जाएगा? नॉर्मली ज़्यादातर लोग ये सिस्टम नहीं चलाते हैं, बट बहुत सारे लोगों का दिमाग में ये सवाल रहता है, तो उसी का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर इस साइट को विजिट किया हुआ था। अभी हमारे साथ इस प्लांट के ओनर हैं भैया हैं, जिन्होंने ये सिस्टम हमसे करीब लगवाया था 1.5 महीना पहले, तो आइए इनसे इनकी राय जानते हैं, इनका अनुभव जानते हैं कि भैया सोलर का क्या परफॉर्मेंस इनको समझ में आ रहा है, और क्या पर डे इनकी इनकम जनरेट हो पा रही है, कितनी की बचत कर पा रहे हैं सोलर सिस्टम लगाने के बाद। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और एड्रेस बताइए, क्या पड़ता है आपका? मेरा नाम पवन सिंह सैनी जी, निवासी ग्राम कुर्डीखेड़ा, अच्छा, ब्लॉक मुजफ्फराबाद, जिला सहारनपुर, तहसील भेट। अच्छा, आपका ये जो है सहारनपुर पड़ता है? सहारनपुर जिला। यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो देहरादून नजदीक पड़ता है, बॉर्डर है कुल मिला, बॉर्डर है बस, ऊपर पहाड़ियाँ हैं। अच्छा अच्छा, वो पहाड़ियाँ दिखा देता मैं तो, अभी धुंधला सा हो रहा है यहाँ तो पहाड़ियाँ दिखती है। अच्छा, यहाँ से दिखती है पहाड़ियाँ सामने दिखती है? अच्छा हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, थोड़ा बहुत हल्का प्रतीत हो रहा है। तो आपका ये सिस्टम जो है अभी आप सोलर से चला पा रहे हैं? सोलर से चल रहा है। क्या क्या चला रहे हैं आप? पल्वाइजर है 8 चक्की 16 इंची। अच्छा, और आपका स्पेलर है 15 HP में, 15 HP मोटर है, 15 HP की मोटर है। और चक्की पे कितनी HP मोटर है? ये चक्की पे 10 की डाल ली है, पहले 15 की थी, थोड़ा परेशान से हो गए थे ना। अच्छा अच्छा, उसकी वजह से वो
कंफ्यूज हो गया था, नहीं तो 15 की भी चल रही थी। अच्छा अच्छा 15 की भी चल रही थी। तो आपके यहाँ सोलर सिस्टम कितने पैनल लगे हुए हैं? ये 32 पैनल है। 32 पैनल है 550 वाट के, मतलब 17.5 किलो वाट के सिस्टम है आपकी। तो आपका सिस्टम अभी सोलर से बेहतर ढंग चल जा रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है, दिन में चलाते हैं हम। अच्छा कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह को 8:30 बजे अच्छा लोड लेना शुरू कर दे, 9 बजे तो फुल लेना शुरू कर दे, शाम के 4 बजे तक वैसे चलता है, 5:30 बजे तक। मान लो 9 से 4 भी हम मान चले तो अच्छा खासा हमारे पास टाइम पीरियड आ जाता है। पीरियड है अच्छा। और जितना काम आता है उतना अपना निकाल लें, जितना काम आपका आ जाता है उतना काम आराम से हो जाता है सोलर से। सोलर से करते हैं। अच्छा आप ये चक्की कितने टाइम चला रहे हैं? ये लगभग 3 महीने हो गए। 3 महीने से आपने चक्की का बिजनेस चालू किया हुआ। और आपने जब 3 महीने पहले चालू किया था कैसे चालू किया था? लाइट से चालू करा था, उसमें जो है गड़बड़ हो गई थी। बिल आया 30,000 का पहला। अच्छा। फिर दूसरा बिल आया 26,500 का। अच्छा। अब का 6,000 का है जब से सोलर लगी हुई है। अच्छा मतलब ये है कि सोलर लगाने का कितना फायदा आपको समझ में आ रहा है कि पहले 30,000 फिर 26,000 फिर अभी 6,000 एक महीने 3 महीनों में। और अलग अलग बिल आपने भरे हुए हैं, 2 बिल इन्होंने भरे हुए हैं सोलर लगाने से पहले के, 1 बिल भरे हुए हैं सोलर लगाने के बाद में। ये मेन डिफरेंट होता है अगर आप सोलर सिस्टम पे जा रहे हैं तो। जैसे इनकम जाननी होती है लोगों की, तो जो डीजल चला रहे हैं उनका ये डीजल इंजन से तेल बच जाता है, और जो बिजली से चला रहे हैं उनका बिजली बिल 0 लगभग में हो जाता है। तो अभी आपका लगभग मीटर चार्ज और थोड़ा बहुत इधर उधर का बिल आ रहा है? हाँ थोड़ा बहुत आ रहा है बस, वो मिनिमम चार्ज है तो लगभग 3,500 के लगभग, तो मिनिमम चार्ज 10 किलोवाट का कनेक्शन है तो बैठता ही है। अच्छा उसे तो लेगी सरकार। नहीं बिल्कुल, बाकी अपने चार्ज जो है वो। मतलब ये है कि आपने 3 महीने पहले ये सोलर आटा चक्की चालू की थी विदाउट सोलर से, तो आपने क्या सोच के सोलर सिस्टम लगाया, मतलब क्या दिक्कत आ रही थी? क्योंकि दो तीन महीने बहुत ज़्यादा दिन नहीं होता है। जब बिजली में जब बिल ज़्यादा आया, कुछ बिजली वालों की गलती थी, कुछ हमारे फिटिंग करने वाले की गलती थी। अच्छा तो उसकी वजह से जो है सोलर लगवाना पड़ा। अच्छा सोलर आपको लगवाना पड़ा। आप हमसे कैसे जुड़े, प्रयाग सोलर पावर से कैसे जुड़े? मैंने वीडियो देखी आपकी। अच्छा। और 1.5 साल पहले भैया से बात हुई तो उसकी वजह से फिर जो मेरा 3200 यूनिट बताया रीडिंग वाले ने। अच्छा। तो मैं उसी दिन जो है भैया से बात करी। अच्छा। और फिर उसी दिन उन्होंने लेबर भेज दी मेरे पास। मतलब आपका 3200 का यूनिट का जब बिल आया उससे माथा चकरा गया कि भैया अब हमको लगाना सोलर है। कुछ तो शुगर था ही, कुछ और बढ़ गया। उस दिन तो मेरा शुगर घटा हुआ है। अच्छा जब से सोलर लगा लिया तब से ये बेनिफिट समझ में आ रहा है। मतलब ये था कि इतना ज़्यादा बिल आ गया कि आपको मजबूरी हो गई कि भैया हमको लगाना ही लगाना है, आप कोई ऑप्शन नहीं है। जब आपने लगाया तब आपके दिमाग में ये डर था कि भैया पता नहीं सोलर से चलेगी ना चले, ऐसा कुछ? हाँ ये था। अच्छा। थोड़ा बादल में हो जाता है, जब काले बादल आते हैं थोड़ा सा उसमें हो जाता है। आगे सर्दी आओगी जब देखेंगे जैसा भी होगा। मतलब ये है कि अभी के टाइम में आपके दिमाग में था कि यहाँ पता नहीं सही चले ना चले। फिलहाल के तौर पे अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अभी सोलर सिस्टम काम कर रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा। अच्छा लाइट से ज्यादा चल रहा? अच्छा लाइट से भी ज्यादा ही चल रहा है, ज्यादा ही काम कर रहा है अभी एक हिसाब से देखा जाए तो। आपको प्रयाग सोलर पावर की सर्विस कैसी लगी? क्या लगी है जी? अच्छा आपने अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं आपको लगाया, लेकिन फिर भी आपको कभी सर्विस की जरूरत पड़ी इसमें? नहीं जरूरत तो पड़ी नहीं अब तक, तो अभी तक जरूरत नहीं पड़ी ना, अब तक तो पड़ी नहीं। मेन प्रॉफिट इसमें यही होता है, मैंने आपको 1.5 साल पुराने सेटअप दिखाए हैं, 2 साल पुराने सेटअप दिखाए हैं, अभी 1 महीना पुराना भी सेटअप दिखा रहा हूँ। यहाँ आने का मेरा मेन मोटिव यही था कि यहाँ पर जो चक्की चलाई जा रही है पल्वराइजर और कोल्ड प्रेस पेरू, तो मैं वही दिखाने के लिए यहाँ पर स्पेशली आया था। फिलहाल के तौर पर कहा जाए तो आपका सोलर सिस्टम बेहतर ढंग का चल पा रहा है, बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा अभी आपके टाइम पे देखा जाए तो लगभग आपका जो बिल आता था वो लगभग खत्म हो चुका है? हाँ वो खत्म हो गया, बस जब मिनिमम बिल आओगा, मिनिमम बिल जो थोड़ा बहुत चल जा। नहीं नहीं ठीक है, वो मिला के आप चलाओ वो सही है, उससे थोड़ी सी इनकम जनरेट हो पाएगी, समझ में आएगा वो है, ठीक है। अभी के टाइम में आप हमारे उन दर्शकों को क्या राय देना चाहेंगे जो लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, आप यूज कर चुके हैं तो क्या राय देना चाहेंगे? लगवाना चाहिए सोलर। अच्छा सरकार भी सब्सिडी दे रही है, हमने तो नगद लगवाया कोई क्योंकि लोन लेते हैं जब सब्सिडी देते हैं जी, बैंक वाले घुमाते हैं, बिल्कुल घुमाते हैं। हाँ जिसका कोई दो राय नहीं है घुमाने में, उसमें कोई जिसका जैसा बहुत है वो है वैसे उसे अब से करना चाहिए, क्योंकि एक बार पैसा लगता है और 20 साल तक कम से कम फ्री हो जाए। 20 साल की तो वारंटी पीरियड होती है इसमें। हाँ 20 साल तो बढ़िया ही चलेगा, आराम से चलेगा। मतलब अगर मोटा मोटा भी पकड़ा जाए तब भी हम प्रॉफिट में है सोलर सिस्टम लगाने से। आपके क्षेत्र में इतना बड़ा सेटअप और कहीं लगा हुआ है चक्की पे या फिर ऐसा कुछ चलाते हो? आटा चक्की पे तो है नहीं यहाँ पे मेरे, नहीं लगा हाँ आसपास नहीं है मेरे। अच्छा, छोटे ये... छोटे हैं। अच्छा, आटा चक्की पे छोटे हैं, 16 प्लेट है। अच्छा, अच्छा। वो पहला दलिया करते हैं चक्की में। हाँ। उसके बाद आटा पीसते हैं। अच्छा, लेकिन मैं डायरेक्ट आटा पीसता हूँ। अच्छा अच्छा और तेल भी पीड़ता हूँ 15 HP की मोटर पे। अच्छा
आपके ये दोनों सिस्टम आपके प्रॉपर अभी प्रेजेंट टाइम में चल जा रहे हैं, कुल मिला के संतुष्ट हैं आप सोलर? संतुष्ट हैं सब, प्रयाग सोलर से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है जी, आपकी संतुष्ट चलिए ठीक है, थैंक यू भाई आपका। तो जैसे आपने दोस्तों ये देखा है जो हमारी ये पूरी साइट है अभी के टाइम में सहारनपुर, अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ कुरली खेड़ा गांव जो ये पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है देहरादून से, मतलब बात किया जाए तो आप कुछ थोड़ा से कुछ किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से उत्तराखंड आ जाता है, यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर है जहाँ पर मैंने ये सेटअप लगाया हुआ करीब एक महीना पहले लगाया था। और अभी के टाइम में आपने देखा चाहे पल्वाइजर चक्की हो या फिर कोल्ड प्रेस कोरू हो या फिर आपकी नॉर्मल चक्की हो या फिर कागज़ फैक्ट्री हो या फिर आइसक्रीम फैक्ट्री हो, आइस फैक्ट्री हो, हर वो फैक्ट्री जो उसमें लाइट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, डीजल इंजन की ज़रूरत पड़ती है, उसको आप बेधड़क सोलर से चला सकते हैं और बेहतर इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और आपको बेहतर वारंटी के साथ में चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, अगर आपको बेहतर सर्विसेज चाहिए सोलर की तो आप प्रयाग सोलर पावर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको एक से एक एक्सपर्ट जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें वहां पर एक्सपर्टीज के दायरे में आकर के बेहतर ढंग का इंस्टॉलेशन आपको मिलेगा। और आपको भी अगर अपनी आटा चक्की पर सोलर सिस्टम लगाना हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उस पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, रेट वगैरह जो भी है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। या फिर आप हमारा ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, अगर ऑफिस विजिट कर सकें आप तो कर सकते हैं, हमारा प्रयागराज इलाहाबाद यूपी में जो पड़ता है वहाँ पर मुआमा क्षेत्र में हमारा ऑफिस है, इलाहाबाद फैजाबाद रोड पे, तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं और आप पूरी जानकारी वहाँ से भी ले सकते हैं। फिलहाल के तौर पे अगर ऐसे आपको और वीडियोस देखने हैं हमारे अब तक के करीब 500 से अधिक चक्कियों पर जो सोलर सिस्टम हमारे लगे हैं उनके कस्टमर रिव्यू, तमाम हज़ारों वीडियो इसी चैनल पर पड़े हुए हैं जिसमें हर एक तरीके के कारखाने पर सोलर सिस्टम जो हमने लगाया है उसका कस्टमर रिव्यू से लेकर परफॉर्मेंस तक की सारी जानकारी वीडियोज़ में पड़े हुए हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल को एक बार विजिट करिए हमारे प्रयाग सोलर पावर चैनल कर, और जाकर के आप देखिए पूरे एक से एक आपको बेहतर सिस्टम मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी हो गई है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए लोगों के साथ। फिलहाल अगर ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए आइए मिलते हैं एक नए सेटअप पर नए लोगों के बीच, तब तक के लिए गुड बाय।